तुझे लगता है कि वो कुछ करेगा? दिया, अरे दिया कहाँ गुम है? क्यों नहीं, आखिर नंबर दिया है अपना। तेरा तो लगता है एनकाउंटर ही कर दिया पट्टे ने। ए दिया, बताना कैसा है आरती? क्या दिया कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही वो लड़की झटके से रोड पर गिर पड़ी। वे लफंगे आ गए थे, उनमें से ही एक ने उसे धक्का दे दिया था। वो अश्लीलता से हंसते हुए उनके चक्कर काटने लगे। दिया ने बिना समय जाया किए इंस्पेक्टर विनय को फोन लगाया। हो गया, लगे हाथ आर्मी भी बुला लो। दिया शांति से खड़ी थी और अपनी सहेलियों को भी शांत किए थी। ना वो गुस्सा थी और ना ही भागने की कोशिश की। तभी एक ने आगे बढ़कर उसका स्कार्फ छीन लिया। तेरी तो मैं। वो मवाली भी गुस्से में विफलता आगे बढ़ा। पुलिस की जीप पहले तो कभी नहीं आई। और जीप में से विनय उतरा। दिया उसे देखकर भूल गई कि वहां क्या हो रहा था। फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। सभी लफंगों की गिरफ्तारियां हुई। कुछ लफंगों की विनय ने पिटाई भी की। जब आखिरी लफंगे को पकड़कर जीप में डाला गया तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज चुकी। आसपास के लोग और दुकान वाले भी उन लफंगों से त्रस्त थे। आप में से किसी को कंप्लेन दर्ज करानी होगी। सारी लड़कियां तैयार हो गई। दिया ने सबको आंख तरेर कर देखा। ऑफिस में विनय के सामने बैठी दिया जानबूझकर धीरे धीरे शिकायत दर्ज करा रही थी। जब भी विनय का ध्यान कहीं और होता वो उसे अपलक निहारने लगती। तभी धड़धड़ाते हुए अपने कई चमचों के साथ मनोज दिवाकर ने ऑफिस में प्रवेश किया। मनोज दिवाकर, वे लफंगे जिस पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा करते थे। मनोज दिवाकर उसी पार्टी के लीडर का बेटा था। उसे अपने उन लफंगे दोस्तों का गिरफ्तार किया जाना खल गया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विनय भी बहुत ईमानदार और कर्मठ था। 3 साल की नौकरी की अवधि में ही 3 बार ट्रांसफर हो चुका था। मेरे आदमियों को अभी का भी लॉकअप से बाहर निकालो। अगर नहीं निकाला तो? जानते नहीं मैं किसका बेटा हूँ? ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अधिक पुलिस या रॉब दिखाया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारी नौकरी के लिए, समझे? और तुमने अपने पिता का रॉब झाड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारी सेहत के लिए। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दूंगा। विनय के तेवर देखकर मनोज दिवाकर ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। जा रहा हूं इंस्पेक्टर, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज के तुम्हारे व्यवहार की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन जाते जाते भी अपनी अकड़ दिखा गया। अरे जाजा। दिया मुक्त भाव से लगातार इंस्पेक्टर विनय को देखती जा रही थी। हेलो मैडम। हाँ, दरअसल मैं मनोज दिवाकर और उसके लफंगे दोस्तों के प्रति आपके रुख से काफी प्रभावित हुई। आपने हम लड़कियों की हेल्प करके एक नेक काम किया है। ये मेरी ड्यूटी है मैडम, देश के हर एक नागरिक को बराबर सुरक्षा देना पुलिस का कर्तव्य है। थैंक्स, अब चलती हूँ। बाय बाय। वो आगे भी शिकायतें लेकर आती रही और विनय कार्रवाई करता रहा। दिया का कभी उसका पर्स गुम हो जाता तो कभी खुद ही अपनी स्कूटी वो जानबूझकर कहीं छोड़ आती और फिर शुरू होता उसका पसंदीदा काम, विनय के सामने बैठकर कंप्लेन दर्ज कराना। पर हमेशा उसी का सामान चोरी हो ये जरूरी तो नहीं। लेकिन उसने उसका भी तोड़ निकाल लिया था। एक दिन अपने वॉचमैन को लेकर पहुंच गई पुलिस स्टेशन और विनय के सामने बैठकर उसके बेटे के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने लगी। सॉरी, जब तक इनके बेटे को गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाते हम गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिख सकते। अरे साहब जी, बेवड़ा आवारा है एक नंबर का, पड़ा होगा कहीं। हम तो बोले भी दिया बिटिया को कि लौट आएगा पर ये मानी नहीं, वो तो पहले भी तो गायब हुआ है। लेकिन आपने ये मुझे नहीं बताया था कि वो पहले भी गायब हो चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं 24 घंटों के बाद आती हूँ। देख लीजिएगा सर, 24वां घंटा बीतेगा भी नहीं और वो फिर से यहाँ होगी। विनय उसे जाते देखता रहा।
एक दिन सुनसान कॉलेज के ही एक खाली क्लासरूम में उसने नेहा को पीछे से आकर दबोच लिया, पर मौके पर ही लाइब्रेरी से निकल रही दिया और उसकी दो और सहेलियों ने देख लिया ये सब। वे दोनों तो डर कर भाग गई, पर दिया ने हिम्मत करके शोर मचा दिया। हेल्प! हेल्प!